चाहे दलित रखो, चाहे ब्राह्मण रखो, ठाकुर रखो, चाहे कोई वर्ग के
मिराई सबके दिल में बसल है। मिराई के सब देखला कोनो जरूरी ना कि मिराई दे अपन अपन दिमाग लगैया दे। अगर जेके ऐसन लगत हो फिर कि राहुल गांधी देश के नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया चलई है तो अपन वोट ले जाके अखिलेश भैया के दे दिया लो और अगर तेरे के लगे कि राहुल गांधी से बढ़िया वो देश के नरेंद्र मोदी जी चला रहे थे और आगे और बढ़िया चलई है तो अपन वोट खराब मत करिया लो तब अखिलेश भैया के वोट मत दिया नहीं तो वोट डाउन हो जाए। कहें कि अखिलेश नए तो प्रधानमंत्री बन गए ना बनिया बना ले तो पहले ही कह देना हो कि हम प्रधानमंत्री के रेस से जा रहे हैं तो जब प्रधानमंत्री बनियो ना तो उनके ओपरा में कि पर्दा लगा तो हमने तो ओपरा नाम चल जाई खराब चल जाई। अगर तो लोग के लगे कि नरेंद्र मोदी जी ये देश के सबसे बढ़िया चलाए थे तो 12 तारीख के बीच बजा के मस्त महादेव मिला लो सेम बंद मार लिया लो अब बीच बजा के कमल वाला बटन के दबा दिया लो और इना की रहुआ के बिताओ के तो कई बार दबा दे लिया पता चला कि मशीनें खराब हो गई। नहीं एक आदमी इतने बार देने जाने कमल के एक इंसान को एक देने वाले तो देश के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बन जाएंगे हैं। और जैसे आज दुश्मन देश के तंगड़ी कांपत है ना पाकिस्तानों चाहा था खाली अखिलेश भैया ना चाहते पाकिस्तानों चाहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए और पाकिस्तान गलती से आंख उठा के हिंदुस्तान की तरफ देखा तो पाकिस्तान को उसके घर में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो पाकिस्तान चाहा था कि नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ना जानते हैं तो दुश्मन ना भाई देश का उच्च हकदारी बात समझ में आ रहे थे लेकिन अखिलेश भैया ये कहते हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान के सुर में सुर कहे भी ना थे भैया थे तो कौन दिक्कत हो गई तो पता ही चल है कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हो तो इसका नारा उनका रहा कि मैं छोराई न छोरा है। नरेंद्र मोदी में छोराई है न छोराए नहीं है आवास आई तो गांव में बनवाने की पड़ी शौचालय आई तो गांव में गरीब के घरे बनवाने की पड़ी जनन भी सुविधा दिल्ली से चली इस सुविधा गरीबों तक पहुंचाने के पड़ी। अभी बोला तो नगन कपार दिखे थे लाल हे बप्पा अब कैसे छोड़ा हे बा कहे कि तब यह काम करा जितना छोड़िया आया एक समय मिला सो मिल के रह पाइया एक थे ईमानदार आदमी आएगा और क्यों कुछ और ही ना देखा ये देश के बारे में सोचेगा देश के हर लोगों के बारे में सोचेगा देख के रहता गया तो कुल जाना मिल जा। अब कुल जाना मिलने में ही भुला गए मैंने कि अब सोचा कि प्रधानमंत्री के कुर्सी में वहां ऊपर जब ऊपर चढ़ गया तो देह पर दे जाते मौके में चाहिए ना हाँ? अगर हम लोग बेजा रही तो आदमी ऊपर चढ़ जाएगी
अब अपने चढ़ी ना पाए थे ऊपर से डाले पीछे हाथी तुह बैठ जाए साइकिल पर। अब हाथी को इतना वजन बा इतना जोर बा खींच पोते ना रहे ऊपर से साइकिल खड़ी हो गई। अब कितने पैडिंग मारे थे हम चक्का नाचे थे आगे बढ़े के तैयार है ना निकाल देगा साइकिल का हुआ कि भैया हो तो हमारे भाई होगा मेरे भाई होगा अगर इस साइकिलिया लेके दिल्ली घर चलता तो हम तेरे साथ ही रहती लेकिन तू साइकिलिया लेके पाकिस्तान को कहां जाता तो पाकिस्तान कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने अगर वो देश के प्रधानमंत्री बने तो भारत का विकास होगा तरक्की होगा और पाकिस्तान जो चाहता है हिंदुस्तान की बर्बादी तो हिंदुस्तान बर्बाद नहीं होगा पूरा दुनिया में भारत ताकतवर बन जाएगा। कई दुश्मन देश है चाहत है तो चाहना एक बार देखा तू कहा चाहत रहा हो कुछ लोग उनके ये कहना कुछ लोग उनके ये कहना कि अंदाज बता रहा अखिलेश यादव कहते यश भारती में हुआ अब तुम अखिलेश यादव से मेरे थे तो ध्यान दिया ले वे लोग के हमें क्या बात कही ना कि अखिलेश यादव जी तो उनके यश भारती में हुआ जो नई बात हमके जन्म देने हो वह लोग अगर देश के खिलाफ खड़ा हुए हैं वह लोग से हम लड़ गए देश से बढ़ के दुनिया में कुछ ना आला भैया अगर देश सही सलामत हो तो हमारे सब भाई बहन सलामत हो गांव के गरीब मजदूर किसान सब सलामत है अगर देश का विकास हो तो सबका विकास हो और अगर कोई गलत आदमी को छूने वाले तो खाली अपन विकास करी अपने घर का विकास करी अपने नेता का विकास करी अपने कटोह का विकास करी और उससे ज्यादा तो अपने नाती का विकास करी तो हल तो ना करी तो हल तो विकास ही करी जन आदमी अपन सब कुछ छोड़ दे तो देश खातिर के खड़ा है और आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। तो बात तो भले यहां लगना आखिरी में दो लाइन गा के बताओ तुम गा नहीं यहाँ सोच के मत बनना मेरे गांव के लोग मेरे गांव के लोग भैया मेरे गांव के लोग और अगर गलती कही ना ले तो बेसरा बेच दी है बनना मेरे गांव के लोग के कुछ ना होला सब बाते बेकार। अब देश के हित में एक बार फिर से मोदी सरकार देश के हित में एक बार फिर से मोदी सरकार तुम रहुआ करने दया मेरे देश के लिए प्रधानमंत्री को आखिरी सवाल हमारे भैया लोग बहनी लोग चाचा चाची जितना लोग बैठा है सब लोग बताया एमएनएस में के बनी प्रधानमंत्री तो हम लोग तो गलत हुआ जो माता बहन लोग बैठे नहीं तो हम लोग के दिल से जो नवाज निकले ना उसको वो खाली ना जाने तो हम लोग अपने दिल से आशीर्वाद देना निरहुआ जैसे जीरो के हीरो बना देने लोग एक बार हाथ उठा के बताया लोग के बनी प्रधानमंत्री तो हम लोग बोला के बनी राहुल गांधी के नाम बने वाले ये परसरानी बन गए तो कुछ सोना निकली
बने 100% बने, चिंता मत करो लोग, सरकार बनेगा 100% बनी। जेकर जो हक है अधिकार है के सारी कहे कि हम अंदर बनने नहीं आए कि सिमटी बाहों को खोल गए, सिमटी बाहों को खोल गए, इन्हें नहीं कहे कि अंदाज बदल, अजय हक तेरा है छीन से भिख मांगने की आवाज बदल। हमारे गांव के लोगों को आजमगढ़ के लोगों के जो हक है ना तो के हम छीन के लिए आए, कैसे भीख मांगने की जरूरत ना है, इनमें के मना है हम तो चिंता मत करा लो। कुछ लोग ये हमसे पिछड़ा चुके हो ये हो एक मैं बड़ा तिरता बनी बात हम फिलिया कैसे देखें गई उनका भी चिंता मत करा ले। जब हम गरीब के घर में पैदा भेली भैंस चराली धान भेली गेहूं भेली और सबसे मैं गेहूं मेघा आना ही ठीक है भैया आई ही नहीं कपा तो उसको मेघा में रखा जाए तो लगा कि कपड़ा में उठिया धंस जाई। ठीक है खेती बाड़ी करने के बाद जब मौका मिलल तो हमें आशीर्वाद देगा फिल्म में काम मिलल फिल्म बहुत दिन कही तो वो घड़ी मजबूरी है तो जाए के पड़ल बन गई लेकिन अब कोई मजबूरी ना है निरोहा के आशीर्वाद दे के प्यार दे के और फिल्म देख देख के इतना बड़ हीरो बना देने वाले कि अब निरोहा के बंबई जाए के जरूरत ना है। अगर केहू के फिल्म बनाए गए तो बंबई आजमगढ़ में आई शूटिंग करे खातिर के अब ऐसे बढ़िया खेत कहां मिली हो बताया आंसर बढ़िया इतना लंबे लंबे लेकिन खाली ना खेत बा पेड़ बा काली माई के मंदिर बा और हनुमान जी के मंदिर बा डीह बाबा बा और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक से एक एक्टर में गंदई वाला बनाई है यहाँ अरे कि तो बड़ी मैंने तो कहा कि निरहुआ तो ना जाए निरहुआ तो आ गए निरहुआ तो जो भी दादा कहे कि जा तो आजमगढ़ में चुनाव लड़ा आजमगढ़ के लोगों के हक छीन के आई कोई बहुत दिन से मैंने तो भिलेले हो जा तो मैंने तो हक दिलाया हम कभी ठीक ना तो हम सोचली माई से पूछ ले अपने माई से जाके घर पूछ ले कि माई जो भी बाबा कहा था कि जा आजमगढ़ का करी माई कहे तो है भैया हम तो टेके खाली जमीन में देने हई और बाकी टेके विदेश से नहीं रहुआ तो पब्लिक में देने हा जा पब्लिक के सेवा करा बेटा तो गया तो निरहुआ आगे रहने वाले मेरे तो यहां से हिलने वाला ना है और जो कि फिल्म बना रहे कोई बंबई से आए यही आजमगढ़ में बनाओ और यहाँ और यहाँ तो पता चली कि यहाँ तो एक थे भी रहना रहे यहाँ घर भरे भी रहे सब आई सब आई के बची में सबके आए तो तेरी आदमी में अब ये अगर हमें हम कहा भी ना हो अरे उनके कपड़ा पे कुछ बैल लगे कहा भी ना चल गए ना मतलब एक से एक एक्टर बने यहां कहा सुना है ये ऐसे से तू अपन एक्टिंग दिखा दिखा रहे एक्टर में कभी आ जाएंगे उन्हें हाँ सर हाँ अगर सुना है भैया है तो आप दिखा कमाल कौन जो एक्टिंग दिखा रहा है सुना मेरे यहाँ गोली चला था और दिखा अरे 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 अरे
बंबई वालों के राजन बने हैं तो उनको पता चलेगा उनका सबसे बड़ा तीन देखा है वन देखा है क्या तरीका तरीका और देखा और देखा अरे मेरी ने देखे थे एक सेट देखा देख रहे हो कलाकार वाह बहुत बढ़िया देखा अपने बच्चों के भविष्य खातिर अपने बेटा बेटी के भविष्य खातिर अपने गुरु के भविष्य खातिर अपने देश के भविष्य खातिर सोच समझ के अपन मतदान करिया लो कहे अगर गलती कर रहा लो कोने मतदान में आके सोच के चलाई अपन बिरादर हो उनके बेटा एक बात बता अगर तेरे लड़का की तबियत खराब हो गए तो डॉक्टर खोने वाले बढ़िया डॉक्टर खोने वाले ना कि बढ़िया डॉक्टर अगर बेटा का इलाज करी तो जब देश चला रहे क्या तो बढ़िया आदमी खोने गए कि बिरादर खोने गए अब अगर तेरे बिरादर का सुई लगाओ तो सहने ना तो क्या करना एक अपने बेटा के देने का इलाज सुई लगाओ उनके ना ना तो जब बेटा का इलाज तक ना करा सका हमें इधर देश का बात है इधर चुनाव होने वाला है कि सोच लिया लोगे कि अपने प्रधानमंत्री का डिसाइड करी कि क्या बनी देश का प्रधानमंत्री तो फिर आखिरी में वो बात का थी अगर चाहे के लगे कि मैंने राहुल गांधी भारत के सबसे बढ़िया चले हो तो अखिलेश भैया देव दे दिया लो और अगर चाहे बात के लगे कि नहीं नरेंद्र मोदी देश के बढ़िया चला रहे थे आगे भी बढ़िया चले हैं तो 12 तारीख जाके कमल के निशान के एक बेर दबा दिया लो खाली तो याद रखना चाची चाची लो तो कमल वाला जो निशान रही बारह के कान फकिया बहुत कहिया अरे आओ वाला दे भैया साइकिलिया दे भैया कौन कोई हथिया दे भैया कन्हो ने कुछ सुन ले लिया कहे हाँ भैया हाँ हाँ ठीक है भैया ठीक है जब उठाया मुझे याद है जैसे कमल लौकी तो कमल के निशान के दबा के कोरिया ने जिला बेटा जा मेरे जीत गया और जैसे ही जीते ने कर बात फिर आई ना आज तक देर बैठे हुआ अगले बेर जब आई तब लहरा के फिर प्रणाम करो ठीक है ना जय हो जय हिंद जय भारत।